एवरीवन मेरा नाम है सीप पाउजा एंड वेलकम टू अन अकेडमी आज मैं आपके लिए सिलेबस सिलेबस अपडेट लेकर आई आप जानते हैं NTA ने पास्ट में दो दिन चेंज किया पहले एनएमसी की तरफ से आया फिर एन ने किया फिर एन से गलती हो गई फिर एन ने दोबारा रिलीज किया फिर उसी सिलेबस को कॉपी पेस्ट करके उन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डाल दिया तो फाइनली द सिलेबस हैज बिन अपडेटेड एंड बहुत सारे बच्चों को आज भी क्लैरिटी नहीं होती क्या करना है किस चैप्टर में से और क्या नहीं करना है तो आज मैंने आपके लिए ये चीजें बहुत सॉर्ट आउट कर दी हैं। इस वीडियो में मैं आपको टैबुलर फॉर्म में हर चैप्टर मैंने लिख दिया है एंड उसमें बताया है क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है एंड कौन सी एनसीआरटी आपको उसमें फॉलो करनी है ये तीनों चीजें मैंने टैबुलर फॉर्म में थर्टी टू के थर्टी टू चैप्टर्स की बता दी है तो पहले तो ये चीज दूसरा बेटा इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक गुड न्यूज भी सबके तो सब लिए बहुत अच्छी है। चलो, करते हैं बेटा, हैं। पहला जो आपको ऐड करना है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है दूसरा जो आपको स्किप करना है जो सिलेबस में से डिलीट हो गया है एंड एनसीईआरटी फिर आप कौन सी फॉलो करेंगे अगर मैं बोल रही हूँ कि कुछ ऐड करना है जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है ऑब्वियसली आपको फिर न्यू एनसीआर और ओल्ड एनसीआरटी दोनों उस पोर्शन के लिए फॉलो करनी पड़ेगी तो वन बाय वन देखते हैं बेटा सबसे पहला पोर्शन है अपना लिविंग लिविंग वॉल वॉल में व्हाट इज लिविंग जो है ये आपके सिलेबस में है लेकिन न्यू एनसीआर में नहीं है तो एक बार इसको जरूर देख लेना ओल्ड एनसीआर से मेरे सारे नोट्स टेलीग्राम पर सीपाहूजा बायोलॉजी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है अराउंड थ्री लाख स्टूडेंट है उसमें पढ़े हैं आप वहां से भी ले सकते हैं इस वाले पोर्शन को वहां पर मैंने ओल्ड एनसीआर का हाईलाइटेड पीडीएफ रखा हुआ है मान लो किसी बच्चे के पास ओल्ड एनसीआर नहीं है आप वहां से ले सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर मैं देखूं तो इसमें जो वैसे तो सेम ही है ये बट इसमें एक साइंटिस्ट नेम वाला चीज़ जो चेंज हुआ है जो ओल्ड एनसीईआरटी से डिफर कर रहा है उसको हमें ध्यान देना है लास्ट में वायरस के साइंटिस्ट में प्लांट किंगडम की अगर बात करें तो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन प्लीज आप ओल्ड वाली एनसीईआरटी से डेफिनेटली देख लीजिएगा देन बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में न्यू एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीफ नहीं दिया हुआ है न्यू प्लांट फैमिलीज जो पांच ऐड हुई है ये नहीं दी हुई है न्यू एनसीईआरटी में लेकिन आपको वो करनी है ये भी ओल्ड से और मेरे नोट से मैंने स्पेशली इस पे सेशन भी बनाया हुआ है इज लिविंग पे भी और इस पर अलग से सेशन है आप प्लीज उसे देखें ठीक है मैं अगर आप कहेंगे तो मैं एक प्ले लिस्ट कर दूंगी जिस प्ले में मैंने सारे एडिशनल टॉपिक्स डाले हैं न्यू प्लांट फैमिली जो मैंने आपको अलग से कराई हुई है लिंक इज इन द देंट कॉमेंट वो प्ले पूरी डाल रही मैं ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में टिश्यू अपने को करना है एक बार देख लेना मतलब सेकेंडरी ग्रोथ छोड़ सकते हैं आप ठीक है सेकेंडरी ग्रोथ आप डेफिनेटली छोड़ सकते हैं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म में इसमें थोड़ा सा झोल है इसमें पहले उन्होंने बोला कि भाई फ्रॉक करेंगे कॉकरोच नहीं करेंगे फिर कह रहे कि नहीं हमसे हमने इंसेक्ट लिख दिया तो कॉकरोच डालना पड़ेगा कॉकरोच भी डाल दिया एक बार बेटा जी एनिमल टिश्यूज भी देख लीजिएगा दिया बहुत कम हुआ है बट जस्ट है लुक मैंने करवा दिया है प्रॉपर एनिमल टिश्यूज कॉकरोच भी फ्रॉग भी अच्छे से कराया हुआ है प्लीज उसको जरूर देखिए अर्थफॉर्म आप छोड़ सकते हैं ठीक है अर्थवॉर्म छोड़ सकते हैं नेक्स्ट अपना आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये आपको सारा पोर्शन ही वैसे न्यू एनसीआर से फॉलो करना है पहले के टाइम पे बेटा लैमब्रश क्रोमोम पॉलिटीन क्रमोजोम ये सब कराया जाए था ये सब छोड़ सकते हो आप बायोमोलिक्यूल आपको सारा न्यू न्यूनसीआरटी से करना है अगर आप न्यू एनसीआरटी में ध्यान से देखेंगे तो डीएनए वाला पोर्शन जो है वो उसने वहां से निकाल दिए क्योंकि वो एमबीआई में था ओवरलैपिंग था तो बेसिकली डीएनए करना है लेकिन एमबीआई वाला कर लो पुरानी एनसीआरटी तो यहाँ से पढ़ लोगे तो कोई इन्फॉर्मेशन तो चेंज होंगी नहीं सेल साइकिल एंड सेल डिविजन पूरा नया वाला ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पूरा चैप्टर ही कट कर दिया गया है पूरा चैप्टर कट कर दिया गया है मन करे तो बेटा ऑस्मोसिस एक बार रीड कर लेना एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो तुमको पता ही है क्या होता है

यू you नो know, आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई ज्यादा चेंज नहीं है आते है जहां पे उन्होंने हैं, तो हैं ठीक है पहला जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा डिलीट कर, कर दिया गया है लेकिन येक्शुअल रिप्रोडक्शन बेसिक आपको पता होना चाहिए का बेसिक। और ये जो दो डायग्राम है जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है तो इन दो डायग्राम्स को एक बार देख लीजिएगा एसआरएफपी की अगर मैं बात करूं तो आप जो के टाइप है, उसको आप स्किप कर सकते हैं एनसीआर है, को बट मॉड्यूल्स वगैरह में लिखे होते हैं मेरे बहुत पुरानी लेक्चर देखो कि मैंने तब कराया हुआ है बट अब उसका मतलब नहीं है तो वी डू नॉट इंक्लूडेड जनरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा चैप्टर सेम है न्यू एनसीआर को फॉलो करते हुए करिए प्रिंसिपल्स में भी पूरा चैप्टर सेम है न्यू एनसीआर को फॉलो करें पुराने नोट्स में आपने देखा होगा एपिस्टेसिस कॉम्प्लीमेंट्री जी सप्लीमेंट्री जीन ये सब कराते थे उसकी रेशोज भी लर्न कराते थे 9 9 अब आप उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत सालों से सवाल नहीं आया नेक्स्ट एम बी आई एम बी आई में एक चीज एड हुई है दैट इज प्रोटीन बायोसिंथेसिस बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है एवोलूशन सेम एज बिफोर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डेंगी चिकनगुनिया एंड टबैको यूज का यूज तो वैसे तो वैसे तो ही था आपका लास्ट में पैराग्राफ है पिछली एनसीआरटी में भी है डेंगी एंड चिकनगुनिया के बारे में एक एक लाइन थी मैंने इसका डिटेल वीडियो कमेंट्स में पिन कर दिया वो प्लेलिस्ट देखना उसमें सारे एडिशनल वीडियोस हैं हैं से कर सकते हैं। वाला पूरा चैप्टर वैसे डिलीट हो चुका है बट टिश्यू कल्चर वाला जो पोर्शन है ये इन्होंने बायोटेक में डाल दिया है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक एंड बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाला जो पोर्शन है ये भी इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन

नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक पिंड है जिसमें मैंने सारे न्यू टॉपिक्स जो भी कंट्रोवर्शियल थे कहां से करें कैसे करें किस लेवल तक करें प्लांट फैमिली फ्रॉग कॉक्रोच एनिमल टिश्यू मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फैमिली इज लिविंग सब करा दिए डेंगी चिकनगुनिया सब करा दिए वो पूरा उस प्ले में वहां से जाके कर सकते हो मैंने बताया था वीडियो के एंड में कुछ गुड न्यूज देने वाली हूँ गुड न्यूज ये है बेटा आज तक आप जानते अन पे बहुत सारे बैचेस आए हमारा सबसे बेस्ट विश्वास बैच अग्नि बैच ये फुल ईयर बैच थे देन अभी, अभी किसी किसी कोर्स अपॉर्चुनिटी आया है यू कैन एनरोल इन ऑल द बैचेज यू कैन वॉच ऑल द्लासेज ऑफ दीज बैचेज जो देखना चाहो वो देख सकते हो जिसका टेस्ट देना चाहो दे सकते हो जिस सेशन को दोबारा देखना चाहो देख सकते हो जिस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो वो कर सकते हो ये सब चीजें पॉसिबल है सिर्फ कुछ बच्चों के लिए जो बच्चे हिस्सा लेंगे इस फेस्टिवल फेस्टिवल में जिसका नाम है है लर्निंग इसमें इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी डेज का अनलिमिटेड फ्री ट्रायल हर उस बच्चे के लिए जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए उसमें बेस्ट टेस्ट सीरीज है बैचेस बेटा मैं अभी लिस्ट दिखाने वाली हूँ अपने बैचेस की इतनी अमेजिंग टेस्ट सीरीज है सबकी किसी भी टेस्ट सीरीज को जाके दे दो जैसे बेटा आज इसको एक्टिवेट करने का तरीका बताऊंगी एक टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल कर लेना एनरोलमेंट बहुत जरूरी है अगर आप एनरोल नहीं करेंगे टेस्ट सीरीज या बैच में तो बेटा ये एक्टिवेशन आपका फेल हो जाएगा ठीक है तो आपको टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेना है पैचेस में एनरोल कर सकते हो आवर्स डाउट सॉल्विंग को को माध्यम को यूज कर सकते हो स्टडी मटेरियल बेटा जी सारा मिल जाएगा लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो जो क्रैश कोर्स की चल रही है पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो ठीक है जी सब चीजें आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हो तो करना कैसे है मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट्स में भी पिंड है

अगर आपके पास ऐप आप है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा अगर नहीं है तो डाउनलोड ऐप का ऑप्शन आ जाएगा एंड उसके बाद आप बस ऊपर जाके सर्च करें सीप पाह आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी इस प्रोफाइल में आपको मेरे सारे बैचेस दिख रहे हैं चाहे वो क्रैश कोर्स हो चाहे वो ईयर लॉन्ग बैच हो हर बैच पे जाकर क्लिक करके एनरोल कर लो ताकि तुम उसकी टेस्ट सीरीज ताकि तुम उनके नोट डाउनलोड कर पाओ अदरवाइज बेटा समय निकल जाएगा एंड सेवन डे ट्रायल आपका ओवर हो जाएगा तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग अगर एक नंबर से नहीं हो पा रहा दूसरे नंबर से ट्राई करके देख सकते हैं ठीक है मेरे बच्चों तो ये वीडियो बेटा सबके साथ शेयर जरूर कर देना जिस चीज को कन्फ्यूजन होती है क्या करना है क्या नहीं करना ये मैं पूरा पीडीएफ आपके साथ अभी जस्ट शेयर करने वाली हूँ वीडियो अच्छा लगा एंड आपके क्या ख्याल है आप एनडीए को क्या बोलना चाहते हैं ये जरूर मुझे बताइए एंड डेली क्लास लगाते रहिए प्रैक्टिस क्लास भी डेली हो रही है यूटिलाइज योर लास्ट फिफ्टी फाइव डेज बेस्ट ऑफ लक